तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं आया हुआ हूँ झांझरी वाटरफॉल। ये आया हुआ है गुजरात के अंदर बयाड़ गांव के आगे। तो आज मैं इसे हो सके उतना एक्सप्लोर करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। तो ये है पूरा झांझरी वाटरफॉल। ऐसा तो ये काफ़ी बड़ा है, पर अभी इसके तो जो है वो दो रास्ते हैं। तो मैं तो आया हूँ इस बार ये वाले रास्ते से जो ये नया ओपन किया गया है, नहीं तो पहले वहाँ से कुछ 3 किलोमीटर चल के आना पड़ता था। यहाँ पे आपको खाने पीने का भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैगी मिलती है, जो जिसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। चाय भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ये लोग लोकल लोग हैं जो ये सब बनाते हैं। तो रिया कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बढ़िया। एप्स ओके, थैंक यू। पर्स लाए, इनको पेमेंट कर दो, इनको पेमेंट कर दो जो है वो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये जो है काफ़ी प्यारा सा वाटरफॉल है और यहाँ की सीनरी बहुत प्यारी है। यहाँ पे जो आप ये छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैगी चाय नाश्ते का सब बढ़िया मिल जाएगा। और ये है हमारे भाई महेश, महेश ना यहाँ का बड़ी बहुत बढ़िया ही मैगी बनाते हैं यहाँ पे। अभी ठंडे के समय होने का, यहाँ पे पानी भी काफ़ी ठंडा है। यहाँ पे आपको सेफ्टी भी रखनी काफ़ी ज़रूरी है। ये ऐसे देखो तो ये झांझरी वाटरफॉल कम से कम इसके दो रास्ते हैं, तो जो मैंने बताया तो ये यहाँ पे पहला, और दूसरा है यहाँ से एकदम आगे जो यहाँ पे 3 किलोमीटर्स अवे। कुछ लोग वहाँ से आते हैं तो कुछ लोग अभी यहाँ से आते हैं। एक्चुअली मेन जो चीज़ है देखने का ये वाटरफॉल ही है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वेडिंग शूट के लिए ज़्यादा आता है, प्री वेडिंग शूट के लिए। ये टोटली ओपन है, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, एंट्रेंस फीस कुछ भी नहीं है।
और अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो प्लीज़ शूज़ पहन के ही आइएगा, क्योंकि चप्पल में आप नहीं यहाँ पर चल पाओगे। और यहाँ पे ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पानी में अगर थोड़ा सा भी फिसले तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये देखिए, फोटो शूट के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है ये। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। बिना पैर चलोगे तो चलने की मज़ा तो बहुत आएगी आपको। यहाँ पे आप अगर ठंडी में आओ तो आप यहाँ पे ज़्यादा देर रुक सकते हो, क्योंकि गर्मी में यहाँ पे फुल गर्मी होती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक घंटा आराम से और अच्छे से रुक सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते इधर। पर जैसे अभी का ठंडी का मौसम है तो आप यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से अपनी फैमिली को लेके आके यहाँ पे 1 डे पिकनिक भी मना सकते हो, आराम से आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो बच्चों के साथ। पर बच्चों को है ना पानी से दूर रखना है। ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है पर है काफ़ी डेंजरस। मैं इसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी बढ़िया बढ़िया सी झोपड़ी बनाई हुई है यहाँ पर। तो कैसा लगा मिजलिशा आपको यहाँ पे आके, अपना रिव्यू दीजिए। अच्छा लगा? थक गए हो? कोई बात नहीं, आराम करो।